नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आजकल हमारे आसपास एक कॉमन इन्फेक्शन या बीमारी चल रही है जिसे हम कहते हैं आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस, और नॉर्मल लैंग्वेज में उसे बोला जाता है आँखों का आना। दोस्तों, इसके लिए एक कॉमन टर्म भी यूज़ किया जाता है, पिंक आई। बारिश के मौसम में वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने के कारण यह प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये किन कारणों से हमें हो जाता है, इसमें हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी आँखों के ऊपर एक पतली ट्रांसपेरेंट परत होती है जो हमारे पलक के अंदर वाले हिस्से और आई बॉल को ऊपर से कवर करती है, और इस पतली झिल्ली को हम कंजक्टिवा कहते हैं, और इसमें यदि कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इस इन्फेक्शन के चलते हमारी आँखों में सूजन आ जाती है, और उसके कारण हमारी आँखों की जो पतली पतली खून की नलियाँ होती हैं वो फूल जाती हैं, और जो आँखों का जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो पिंक या रेड कलर का दिखने लगता है। इसलिए इस बीमारी को हम पिंक आई भी कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस का मेन कारण तो वायरल इन्फेक्शन ही है, बट इट कैन बी बैक्टीरियल, और किसी एलर्जी के चलते भी लोगों को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस हाईली कॉन्टेजियस बीमारी होती है, मींस यह एक दूसरे से बहुत जल्दी फैल जाती है, मींस इन्फेक्टेड पर्सन को हाथ लगाने से, उसके सामान को छूने से भी यह बीमारी हो जाती है, और यदि इन्फेक्टेड पर्सन को आँख से डिस्चार्ज निकल रहा है, यदि दूसरा पर्सन उस डिस्चार्ज के कॉन्टेक्ट में भी आ जाता है तो भी उसे कंजक्टिवाइटिस की बीमारी हो जाती है। कभी कभी ये कंप्लेंट छोटे बच्चों में बहुत कॉमनली देखी गई है, और उसमें कोई रीज़न नहीं है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। एक्चुअली उनकी जो आंसुओं की नली होती है या जो टीयर डक्ट होती है वो पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाती है, इसलिए उनकी आँखों से लगातार पानी निकलता रहता है। दोस्तों, आई फ्लू के बारे में कुछ मिथ भी है, जैसे कि यह बीमारी हवा से फैलती है। ऐसा कुछ नहीं है, और लोग ऐसा भी कहते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन की आँखों में देखने से भी यह बीमारी हो जाती है। ऐसा भी कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पर इसके सिम्टम्स और साइन की बात करेंगे। दोस्तों, आई फ्लू में कोई खास इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेशेंट समझ जाता है कि उसको ये सिम्टम जो हैं वो आई फ्लू के आ रहे हैं। पेशेंट को उसमें आंखें लाल हो जाती हैं, दोनों आंखें लाल हो सकती हैं या एक भी हो सकती है। पेशेंट को इसके साथ आँखों में दर्द होता है, और पेशेंट को आँखों में खुजली भी बहुत ज़्यादा चलती है। इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी आँखों में कुछ चुभ रहा है, और उसको फोटोफोबिया की शिकायत होती है, मतलब लाइट में जाने से उसकी आंखें चौंधी आ जाती हैं। इसमें पेशेंट को आंखों से पानी आने की भी समस्या होती है, और कभी कभी ये पानी इतना चिपचिपा होता है कि पेशेंट को रात भर में उसकी आंखों में एक क्रस्ट लाइक लेयर बन जाती है, एक चिपचिपी लेयर बन जाती है, और सुबह उसको आँख खोलने में परेशानी होती है। यदि पेशेंट को आई फ्लू एलर्जी के साथ हुआ है तो उसको आँखों के सिम्टम के साथ साथ नाक बहना, छींके आना, मैलेज होना, हाथ पांव दुखना और फीवर की शिकायत भी मिल सकती है। आई फ्लू के प्रिवेंशन या प्रिकॉशन की बात की जाए तो यदि आप गुड हाइजीनिक हैबिट फॉलो करते हैं, मीन साफ़ सफाई पर ध्यान देते हैं, तो इस तकलीफ़ से बहुत हद तक बच सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, हाथों को बार बार धोने की आदत डालें। नंबर 3, आँखों को बार बार रब ना करें, आँखों को बार बार टच ना करें, और एक बात और, किसी से रुमाल या टॉवल को शेयर ना करें, और हमेशा कोशिश करें कि साफ़ रुमाल या टॉवल यूज़ करें। इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आने से बचें। स्विमिंग पूल या वाटर पार्क को अवॉइड करें। कॉन्टेक्ट लेंस को भी अवॉइड करें, और यदि आप आई कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं जैसे कि काजल है, मस्करा है, तो लोगों से शेयर ना करें, और इन्फेक्शन के दौरान भी यदि आपने वो चीज़ें यूज़ की हैं तो उनको फेंक दें और नया सेट यूज़ करें। दोस्तों, आई फ्लू कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। दवाई के साथ 2 से 3 दिन में इसमें आराम आ जाता है, लेकिन यदि आपको पेन की इंटेंसिटी बढ़ रही है, आपको धुंधला दिख रहा है, और कोई दूसरी भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर को विजिट करें।
आई फ्लू के केस में होम्योपैथी तीन तरह से काम करती है। यदि राइट टाइम पे दवाई ले ली जाए तो बीमारी का पीरियड कम हो जाता है। नंबर टू, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन आई एम रिपीटिंग अगेन, पेशेंट टू पेशेंट पोटेंसी और डोजेस अलग होते हैं, तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। नंबर तीन, राइट टाइम पर दवाई लेने से बीमारी की रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। इस कड़ी में नंबर वन पर मेडिसिन है पल्सेटला। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को आई फ्लू के सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा आँखों में पेन होता है, आँखों में जलन होती है, आँखें लाल हो जाती हैं, उसकी आँखों से येलोइश कलर का, मतलब पीले कलर का, पीला सा वाइट सा डिस्चार्ज निकलता है, और वो इतना थिक, इतना चिपचिपा डिस्चार्ज होता है कि उससे पेशेंट की आँखें चिपक जाती हैं। तो यदि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो पल्सेटला अच्छा काम करेगी। जब आई फ्लू के केस में पेशेंट को कंजेशन बहुत ज़्यादा मिलता है, रेडनेस बहुत ज़्यादा मिलती है, उसकी आंखें बहुत लाल दिखती हैं और उसको पेन भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से होता है, और जो पेन का कैरेक्टर होता है वो थ्रॉबिंग होता है, मतलब पेशेंट को लगता है कोई ठक 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 थ्रॉबिंग उसको फीलिंग होती है आँख के अंदर। और इसमें एक चीज़ और देखी गई है, इसमें डिस्चार्ज इतना कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब पेशेंट को आँखों से इतना पानी या कोई थिक डिस्चार्ज नहीं निकलेगा, आँखें ड्राई रहेंगी, लेकिन उसमें पेन बहुत ज्यादा होता है। यदि इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। इस कड़ी में नंबर तीन पर मेडिसिन है बोरेक्स। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट का जो आंखों का डिस्चार्ज है वह बहुत थिक रहेगा, रात को आंखें चिपक जाएंगी और उसमें पेशेंट को आंखों में सूजन भी बहुत ज्यादा मिलेगी, तब बोरेक्स का रोल बढ़ जाता है। इस कड़ी में चौथी मेडिसिन होती है कैल्केरिया सल्फ। यह मेडिसिन बहुत कुछ पल्सेटला की तरह काम करती है, मींस जब आंखों से हेवी डिस्चार्ज है, थिक डिस्चार्ज है, आंखें चिपक रही हैं, आंखों में सूजन आ रही है और दर्द भी बना हुआ है, तो कैल्केरिया सल्फ दे सकते हैं। आई फ्लू के केस में यूफ्रेशिया का भी बहुत अच्छा रोल है। जब पेशेंट को एलर्जी के साथ साथ यदि कंजक्टिवाइटिस की शिकायत है तो भी ये मेडिसिन अच्छा काम करेगी। इसमें पेशेंट को आँखों से लगातार पानी निकलता रहता है, पानी बिल्कुल थिक नहीं होता, पतला पानी जैसा होता है, लेकिन उसके कारण पेशेंट को आँखों में बहुत जलन होती है, बहुत खुजली होती है, और साथ साथ कभी कभी पेशेंट को नेजल डिस्चार्ज, मतलब नाक से भी डिस्चार्ज निकलने लगता है, और सर्दी खांसी की समस्या हो जाती है। यदि इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो यूफ्रेशिया बहुत अच्छा काम करेगी दोस्तों। आई फ्लू के केस में एलियम सीपा भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इसमें मार्क सिम्टम यह है कि पेशेंट को एलर्जी भी साथ में मिलेगी, मतलब पेशेंट को नाक से बहुत डिस्चार्ज निकलेगा, उसको छींकें आएंगी। यदि इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं और इसके साथ में आई फ्लू के भी सिम्टम मिल रहे हैं, जैसे आँखों से पानी आना, लेकिन इसका जो आँखों का पानी होता है वह बहुत ज्वलनशील नहीं होता, मतलब आंखों के पानी में जलन नहीं होती है, बस लगातार पेशेंट की आंख से और नाक से पानी गिरता रहता है। यदि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो एलियम सीपा का रोल बढ़ जाता है। दोस्तों, यदि आई फ्लू पे बनाया हुआ यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो माई चैनल। थैंक यू।